वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पुस्तक पूरन सोई संत, जीवन साखियां, धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले महापुरख, ज्ञानी दलीप सिंह जी दर्दी। इसे अजीतपुर दे स्थान ते ही ज्ञानी दलीप सिंह जी दर्दी ने भी बाबा जी दे दर्शन दीदारे किते सन। ज्ञानी दलीप सिंह जी दर्दी सिख पंथ की बड़ी महान शख्सियत सन अते पंथ दे सिरमौर प्रचारक सन। ज्ञानी जी ने प्रचार का बहुता समा ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी दे नाल ही बिताया। जिथे जिथे भी मस्कीन जी कथा दे प्रोग्राम उलीकदे सन, दर्दी जी नू जरूर नाल खड़दे सन। गुरद्वारा मंजी साहिब श्री दरबार साहब विखे भी गुरु रामदास जी दे गुरपुरब दिहाड़े तो लैके दिवाली तक जो मस्कीन जी का कथा का प्रोग्राम हुंदा सी, गुरपुरब तो तकरीबन 8-10 दिन पहला दर्दी जी ही श्री हुकमनामा साहब जी की कथा करते सन। मस्कीन जी दर्दी जी का बहुत ज़्यादा सत्कार करते सन। मस्कीन जी अजीतपुर विखे भी सालाना प्रोग्राम ते जथियां समेत हाजरी भरते होंगे सन। इसे अस्थान ते ही दर्दी जी भी मस्कीन जी दे नाल हाजरी भरन लई आए ते उदों ही बाबा जी कुली वालियां दे नाल पहली बार मिलाप होया। साध मिलै पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग। बाबा जी दे दर्शन करके दर्दी जी बहुत प्रभावित होए। दर्दी जी दा भी बाबा जी दे नाल बहुत प्रेम बन गया। दर्दी जी दा पिंड मॉडल टाउन भी पंडोरी राजपूतां दे नज़दीक ही पैंदा सी, जिथे बाबा जी दी कुटिया भी है। दर्दी जी फिर इस अस्थान ते भी बाबा जी दे दर्शन करन लई आ जांदे सन। बड़ी श्रद्धा बाबा जी ते बन गई सी। बाबा जी भी दर्दी जी दे ग्रह विखे आउंदे सन। एक बार दर्दी जी दे ग्रह विखे आए ते जल पानी छक के दर्दी जी नूं कहिंदे कि ज्ञानी जी सानू कोई पातशाह जी का बचन सुनाओ। बाबा जी नूं गुरु इतिहास सरवण करन दा बड़ा प्रेम सी ते बाबा जी गुरु के वजीरां कोलों अक्सर गुरु इतिहास के बचन सुनदे हुंदे सन। बाबा जी का बचन मन के ज्ञानी जी ने पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी के बचन सांझे कीते। दर्दी जी ने बड़े प्रेम नाल गुरु साहब जी की शहादत का सारा वाकया सरवण करवाया। दर्दी जी गुरु साहब जी की शहादत के बचन सुना रहे सन तो बाबा जी इस महान शहादत के बचन सुन के इतना बराग विच आ गए कि बाबा जी के नेत्रां विचों जल वह तुरिया। अवस्था इन्ने बराग वाली बन गई कि नेत्रां दे जल नाल सारा दाड़ा भिज गया। पातशाह भी बचन करते हैं कि मन बैराग रतो बैरागी, शब्द मन बेदिया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिवलाई। आपने गुरु प्रति ऐसा बैराग देख के ज्ञानी जी भी बहुत प्रभावित होए ते बदो बदी उन्हां दे नेत्रां विच भी जल आ गया। सारी संगत जो उथे बैठी सी बैराग विच आ गई। इतना प्यार अपने सतगुरु पातशाह जी लई हिरदे अंदर सी। इतिहास पढ़ना, इतिहास सुनना ते सुनाउणा इतना औखा नहीं, पर इतिहास नूं महसूस करके अपने हिरदे नूं उस परिस्थिति विच लै जाणा, इह विरले गुरमुखां ते ही बख्शिश हुंदी है। बाबा जी भी ऐसी ही बख्शिश वाले महापुरख सन। ज्ञानी जसविंदर सिंह जी दर्दी। ज्ञानी जसविंदर सिंह जी ज्ञानी दलीप सिंह दर्दी दे सपुत्र सन। इह भी सिख पंथ दे महान प्रचारक हन। ज्ञानी जी बचपन तो ही अपने पिता जी दे नाल बाबा जी दे दर्शन करन लई आउंदे हुंदे सन। छोटी उम्र विच ज्ञानी जी धार्मिक कवितावां बोलदे सन। अजीतपुर उत्तराखंड विखे सालाना समागम तो बाद बाबा जी अजीतपुर दे नज़दीक पिंड रेंटा विखे भी धार्मिक समागम करवाउंदे सन। इस प्रोग्राम ते छोटी उम्र विच ज्ञानी जी ने स्टेज उत्ते गुरु दशमेश पिता जी दे साहिबजादियां प्रथाए एक कविता पढ़ी। बाबा जी ने ज्ञानी जी दे कोलों इह कविता सुनी तां बड़े खुश होए। ज्ञानी जी अपने पिता जी दे नाल बाबा जी दे कोल आए तां बाबा जी ने 100 रुपए ज्ञानी जी नूं इनाम दिता ते बचन कीता कि पुत अज बड़ा आनंद पाया, अगे तो वी इदां ही पढ़िया करी, तैनूं माया दी कोई घाट नहीं आउण दिंदे। बचन भी है
तिस कदे न आवै तोट, जो हर गुण गावही। ज्ञानी जी दसते सन कि उस दिन तो ही बाबा जी ने बख्शिश कर दिती, कदे कोई घाट नहीं रहन दिती। महापुरखां दे आशीर्वाद सदका ही असी अज इस मुकाम उत्ते हाँ। ये जो सफ़र इत्थों शुरू होया सी, अज ज्ञानी जी ते इतनी बख्शिश है कि ज्ञानी जी गुरद्वारा मंजी साहब श्री दरबार साहब विखे भी श्री हुकमनामा साहब की कथा विच हाजरी भरते हैं। सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर। सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर जथेदार तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब पूरा का भी बाबा जी दे नाल बड़ा प्रेम सी, बड़ा प्यार ते सत्कार साहब जी बाबा जी का करते सन। सिंह साहब जी ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी के विद्यार्थी सन ते मस्कीन जी दे नाल इन्हों की बड़ी नेड़ता सी। ज्ञानी रणजीत सिंह गौर होरां दी बिलासपुर उत्तराखंड के इलाके विच कुछ जमीन जायदाद सी ते गौर साहब होरी ज़्यादातर उधर ही रहिंदे सन। बाबा जी कुली वाले भी माघ का महीना अजीतपुर आउंदे सन ते इत्थे मस्कीन जी की अगवाई हेठ 1-2-3 फरवरी नूं रहण सबाई सालाना कीर्तन दरबार हुंदा सी। इसे समागम ते ही छोटी उमरे पातशाह जी दे बचन प्रभ कृपा ते साध संग मेला अनुसार गौर साहब दा मिलाप बाबा जी कुली वालियां ते मस्कीन जी दे नाल होया। बड़ियां असीसां महापुरखां दे कोलों गौर साहब नूं मिलियां। गौर साहब ने भी फिर सतपुरखां दी संगत विच हाजरी भरी ते काफ़ी समा विचारां श्रवण कीतियां, जो बचन भी है हर सत संगत सतपुरख मिलाइए, मिल सत संगत हर नाम त्याइए। इस तों बाद गौर साहब मस्कीन जी दे विद्यार्थी बन गए ते उन्हां दे नाल ही विचरन लग पए। मस्कीन जी दे नाल हर साल अजीतपुर विखे सालाना समागम विच भी हाजरी भरदे। गौर साहब दा बाबा जी दे नाल भी बहुत प्रेम बन गया ते गौर साहब बाबा जी नूं पार ब्रह्म परमेश्वर विच अभेद होई आत्मा मनदे सन। जो बचन भी है, राम संत मह भेद किश नाही, एक जन कई मह लाख करूरी। गौर साहब मस्कीन जी दे नाल विचरन लगे तां मस्कीन जी गौर साहब नूं कहिंदे कि तुसीं लुधियाणे विखे जो साडा स्थान है उत्ते शिफ्ट हो जावो, पर उस स्थान ते शिफ्ट होण लई गौर साहब दा मन ना कीता। गौर साहब मस्कीन जी नूं कहिंदे कि मस्कीन जी उत्थे शिफ्ट होण दा मन नहीं है, तुसीं किरपा करो कि उत्थे कोई आपना ही टिकाणा बन जाए। इंज कुछ समा बीत गया, मस्कीन जी अजीतपुर विखे सालाना समागम ते आए हुए सन। गौर साहब भी मस्कीन जी दे नाल सन। बाबा जी मस्कीन जी नूं कहिंदे कि पाथिया इहदा की करना है। मस्कीन जी कहिंदे कि बाबा जी इहनूं कहा है कि लुधियाणे शिफ्ट हो जा, पर इह मनदा नहीं। बाबा जी मस्कीन जी नूं कहिंदे कि मस्कीन जी तुहाडे कोल कोई घट है, जिवें कहिंदा है उवें कर दिओ। मस्कीन जी समझ गए कि बाबा जी ने बख्शिश कर दित्ती है। कुछ ही दिन बीते तो गौर साहब नूं गुरद्वारा कलगीधर सिंह सभा लुधियाणा तो चिट्ठी आ गई ते उन्हां नूं हैड ग्रंथी की ड्यूटी लई बेनती की गई। गौर साहब गुरद्वारा कलगीधर सिंह सभा विखे कथावाचक की भी ड्यूटी निभाउण लग पए ते फिर इत्थे ही हौली हौली गौर साहब का घर भी बन गया। ये सब मस्कीन जी का प्यार ते बाबा जी के बचन का ही आशीर्वाद सी। बचन भी है, संत प्रसाद भए कृपाला होए आप सहाए। गौर साहब फिर बाबा जी दे कोल आउंदे रहिंदे सन। मस्कीन जी दे नाल भी गौर साहब जरूर आउंदे सन। बाबा जी दे सचखंड चले जाण तो बाद मस्कीन जी दी जगह ते अजीतपुर विखे सालाना समागम दी सेवा गौर साहब ही निभा रहे हन। लांसडाउन विखे गुरद्वारा साहब दी सेवा। अजीतपुर विखे बहुत संगत बाबा जी दे कोलों गुरमत सिद्धांत की सेध लै रही सी। महीना खंड इत्थे रहिंदे ते फिर वापस पंजाब नूं चाले पै जांदे। वापसी ते बाबा जी लांसडाउन विखे मेजर अजीत सिंह होरां दे कोल भी हाजरी भरदे सन। अजीतपुर तों चल के बाबा जी लांसडाउन विखे आए। गढ़वाली रैजीमेंट होण करके इत्थे सरदार बहुत घट सन, कुछ को ही सरदार फौजी सन। पर लांसडाउन विखे गुरद्वारा साहब नहीं सी। सिख फौजियां दी बहुत इच्छा सी कि इत्थे भी गुरद्वारा साहब होवे। मेजर अजीत सिंह ने बाबा जी नूं बेनती की कि बाबा जी इत्थे कोई भी गुरद्वारा साहब नहीं है, आप जी दी आग्या होवे ते असी इत्थे गुरद्वारा साहब दी इमारत आरंभ कर देईए। बाबा जी कहिंदे कि पुत्त अजे समा नहीं आया, अजे रुक जावो,
अगली मेरा इत्थे आवांगे तां उदों सेवा शुरू करांगे। बाबा जी अगली बार राणस्टोन विखे आए ते मेजर साहब नूं कहिंदे कि पुत हुण गुरद्वारा साहब की इमारत आरंभ करो, गुरु कोई घाटा नहीं आउण देवेगा। मेजर साहब होरां ने उत्थे जो 15-20 सिख परिवार सन उन्हां दे सहयोग नाल गुरद्वारा साहब की इमारत आरंभ कर दित्ती। पहाड़ी इलाके विच पत्थर तोड़ के जमीन पदरी कीती ते गुरद्वारा साहब की इमारत लई जगह बनाई। इमारत की उसारी आरंभ होई। लांसडाउन विखे सिख परिवार बहुत थोड़े सन। गुरद्वारा साहब लई माया का प्रबंध करन लई मेजर साहब ने अपने सज्जना मित्रां नाल संपर्क किया ते नजीबाबाद ते कोटोद्वार के इलाके की सिख संगत ने भी गुरद्वारा साहब की इमारत लई माया ते होर समगरी की सेवा कीती। जो वचन भी है, संत प्यारे कार्ज सारे नमस्कार कर लगे सेवा। गुरु महाराज जी की कृपा ते बाबा जी दे आशीर्वाद ते सहयोग सदका गुरद्वारा साहब की सुंदर इमारत तैयार हो गई, जिसका प्रबंध अज भी बड़े सुचजे ढंग नाल गुरद्वारा साहब की कमेटी चला रही है। ये बाबा जी का आशीर्वाद ते मेजर अजीत सिंह की मेहनत ही सी कि पहाड़ों में लांसटोन वर्गे शहर में भी गुरु घर की स्थापना हो गई, जिथे सिखा की संख्या ना दे बराबर है। पर सिख फौजियों लई ये गुरद्वारा साहब बहुत वड्डा वरदान है ते अज भी सिख फौजी इस गुरद्वारा साहब की बहुत सोहनी सेवा निभा रहे हैं। आखण औखा साचा नाओ। गुरद्वारा संगतसर साहब विखे भी बहुत संगत हाजरी भरन लग पई सी। बड़े आनंदमई बचन बाबा जी सारी संगत नूं बख्शिश करदे सन। इत्थे ही एक वेरा दो सज्जन आए, वह बहुत गरीब सन ते दिहाड़ी करके परिवार का गुजारा करते सन। बाबा जी नूं कहिंदे, बाबा जी साडा ते बहुत माड़ा हाल है, कई दिन हो गए हैं कोई काम नहीं मिल रहा, असी तो रोटी तो भी औखे हो गए हाँ। भाई तुसी काम की करते हो? बाबा जी असी लेबर का काम करते हाँ। भाई तुसी किन्ना चिर काम करते हो ते तुहानू मजदूरी किन्नी मिलती है? बाबा जी असी 8 घंटे काम करते हाँ ते सानू 5 रुपए दिहाड़ी मिलती है। भाई तुसी साडे कोल काम करिया करो, असी तुहाडे कोल काम भी 4 घंटे करावांगे ते दिहाड़ी भी दुगनी भाव 10 रुपए दिया करांगे ते लंगर पानी भी खुला खाण नू मिलेगा। बाबा जी का वचन सुन के वह सज्जन बड़ा खुश होए कि सानू होर की चाहिए, 4 घंटे काम ते डबल दिहाड़ी। बाबा जी उस समय उन दियां माला बनाउंदे हुंदे सन। बाबा जी ने दोनों सज्जनां नू एक एक माला दे दित्ती ते थले विछाउण लई बोरियां दे दित्तियां। उन्हां नू वचन कीता कि इत्थे साडे कोल बैठ जाओ ते वाहिगुरू जपी जाओ, 4 घंटे जदों हो जाणगे अपनी दिहाड़ी लै के चले जायो। वह सज्जन बोरियां विछा के बैठ गए ते माला हथ विच फड़ के वाहिगुरू जपन लग पए। थोड़ा कु चिर ही जपिया ते एक दूजे दे मूँह वल झातियां मारन लगे। थोड़ा चिर होर वाहिगुरू कीता ते फिर बाबा जी नूं कहन लगे कि बाबा जी साडे कोलों नहीं ये काम हुंदा, असी नहीं ये काम कर सकते। उन्होंने माला भी वापस दे दित्तियां ते उठ के चले गए। बाबा जी वचन करदे सन कि पुत मनुखली औखे तो औखा काम भी इन्ना औखा नहीं जिन्ना औखा रब का नाम जपना है। वचन भी है, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। सोरठ राग विच गुरु नानक पातशाह जी भी बख्शिश करते हैं कि संसारिक जीव उत्ते संसार का इन्ना प्रभाव पिया होया है कि परमात्मा का नाम सिमरना इस नूं बहुत ही कठिन लगता है, पर जिन्होंने संतोखी हो के वाहेगुरू सिमरन का पला फड़िया है मैं उन्हां तो बलहार जाता हाँ। परमात्मा ने उन्हां ते नज़र की है। वचन है, आखणे औखा आखिया प्यारे क्यों सुनिए सच नाओ, जिन्नी सोसा लाहिया प्यारे हों तिन बलहारै जाओ, नाओ मिलै संतोखिया प्यारे नदरी मेल मिलाओ। वो काम ही इंसान नूं ज़्यादा औखा हो गया जिस लई ना ज़्यादा बल चाहिए, ना ज़्यादा बुद्धि की लोड़ है, ना धन की लोड़ है ते ना ही कोई भज दौड़ करन दी लोड़ है, बस 2 घड़ियां टिक के बैठन दी लोड़ है। ये बैठना ही मनुख नूं औखा हो गया है। यानी संत सिंह मस्कीन जी भी वचन करदे सन कि मनुख लई सब तों औखा काम इकल्ले बैठना है। मनुख कुछ भी कर सकता है पर इकल्ला नहीं बैठ सकता, ये पुलाड़ तक जाण दी शक्ति रखदा है
पर दो घड़ियां अपने आप नाल बैठन दी हिम्मत इस कोल नहीं है। बाबा जी ये भी बचन बहुत वेरां करदे हुंदे सन कि पुत मनुख हर एक काम करदा, धन पदार्थ इकट्ठा करदा, कुटंबली यतन करदा, पर उही काम नहीं करदा जो काम करन दे लई इह संसार उत्ते आया है, उही काम इस नूं औखा हो गया। बाबा जी बचन करदे हुंदे सन कि जे मनुख परमात्मा दे भाव विच रहिंदिआं शुद्ध आचरण सत संतोख हलीमी दा धारनी हो के उद्यम करे तां परमात्मा जरूर बख्शिश करदा है। बाबा जी गुरु नानक साहब जी दे शब्द बहुत वेरा पढ़दे हुंदे सन, भौ भौ भौए पवित पाणी सत संतोख बलेद हल हलेमी हाली चित चेता वत्तर वक्त संजोग, नाओ बीज बख्सीस बोहल दुनिया सगल दरोग, नानक नदरी करम होए जावह सगल विजोग। विकारा तो किवें बचिए मोह। संगत सर साहब कुटिया विखे ही बाबा जी संगत विच बैठे हुए सन। कुटिया दे सामने बाहर खुले स्थान ते कुछ बच्चे खेडा कर रहे सन। बाबा जी मोह दी व्याख्या करन लगे। ये पंक्ति बहुत बार पढ़दे हुंदे सन, पंकज पग पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले। बाबा जी ने बचन किया कि भाई मोह तो किवें बचिया जावे, फिर आप ही दसन लगे कि भाई वो सामने जिहड़े बच्चे खेडदे पे हन इन्हां विच एक मेरा पोता भी खेडदा है, पर उन्हों मेरी नहीं पछाण ते मैनू उहदी नहीं, बस इन्नी कोई गल है। ये बाबा जी का इशारा ही सी कि जिन्हां धीआं पुत्तां भरा भैणां नाल साडा मोह हुंदा है, जिन्हां नूं असीं आपणा करके जाणदे हाँ, जिन्हां नाल पक्कियां गंढां पा लैंदे हाँ, असल विच ये माया दा बनाया होया भरम है, इस विच साडा कुछ भी नहीं। बचन भी है भरम मोह के बांधे बंद, जिमें यात्रा दे मुसाफिर घड़ी पलरी रस्ते विच इकट्ठे हुंदे हन, आपस विच बातां भी करदे हन पर फिर आपो आपने रस्ते तुर जांदे हन, जिमें घर विच परौणे आउंदे हन गल्लां बातां करदे हन घड़ी ठहरदे हन ते फिर आपो आपने राही चले जांदे हन। जैसे रहन परौणे उठ चल सह प्रभात, वैन दे नाल दरियावां दे कंडे चार ठीकरे इकट्ठे हुंदे हन, कुछ समा इकट्ठे रहिंदे ते फिर पानी दे बहाव विच अलग अलग वह जांदे हन, रुख ते पंछी इकट्ठे हुंदे हन आपस विच चोचले करदे हन खेडां करदे हन ते फिर आपो आपने उडारी मार जांदे हन। इयों ही इह संसार दा वी इकट्ठ है, बचन भी है बिरख बसेरो पंख को तैसो इहो संसार, चार दिन दा ही धीआं पुत्ता भैण भरावां दा साथ है, इस विच आपणा कुछ भी नहीं। जो बचन भी है पूत मीत माया ममता स्यों इह विद्याप बंधावै, मृग तिसना ज्यों झूठो इहो जग देख तास उठतावै। मोह दे पर्दे कारण सारा भरम दिखदा है पर है कुछ नहीं। एक जन्म विच मेरा पोता है, शरीर बिनस जांदा पर रूह दा सफर नहीं मुकदा, ये फिर शरीर धारदी पर हुण मेरा पोता नहीं, क्योंकि मेरा उस नाल चार दिन दा संबंध सी, चार दिन पूरे होए नहीं ते संबंध टुटिया नहीं। इस भरम नूं चार दिन दा इकट्ठ जानन वाला मनुख ही मोह दीआं तंदां तोड़ सकिया है। इयों जाणो कि मैं रुख हाँ ते धीआं पोतां पुत इस रुख दे फल, फल सदीवी रुख दे नाल नहीं रहिंदे ते ना ही रुख सदीवी रहिंदे, चार दिन दा संबंध ते फिर आपो आपनी यात्रा, यही दुनिया दी हकीकत है। बचन भी है बेवकड़ै दिन चार है, साह रड़ै जाना अंधा लोक ना जाने ही मूर्ख ए आना। पातशाह बड़ी प्यारी उदाहरण दे के भी समझाते हैं कि गुजर लोग चारगा लभ के कुछ दिन लिए अपने पशु लैके चारगा दे लागे टिकाणा कर लेंदे हन, और दा समा कढ़दे हन, कुछ दिन उत्थे पशु चराउंदे हन ते फिर वह जगह छड के नवी जगह चले जाते हैं। उन्हां नूं पता है कि असी सदा इत्थे नहीं रहना, इसलिए वह कोई बहुता पसारा नहीं करते। इउं ही भाई इस संसार नूं भी जिन्हां ने चार दिन की चारगा जाणिया उही इत्थे पसारा करन तो गुरेज करदे रहे, उन्हां ने ही इस नाल कोई मोह नहीं रखिया। बचन है गोयल आया गोयली क्या तिस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार। महाभारत की एक साखी भी है कि जब अभिमन्यु की मौत होती है तो अर्जुन बहुत विरलाप करता है, भाग भगवान कृष्ण
अर्जुन नूं अभिमन्यु नाल मिलाउण लै जांदे हन। सूखम रूप विच अर्जुन दा अभिमन्यु नाल मिलाप हुंदा है तां अभिमन्यु पुछदा है कि तुसीं कौन हो। अर्जुन दसदा है कि मैं तेरा पिता हाँ। अभिमन्यु जवाब दिंदा है कि मेरे तां कई जन्म होए हन ते मेरे कई पिता बने हन, हुण तूं दस तूं मेरे किहड़े जन्म दा पिता है। उत्थे फिर अर्जुन नूं समझ आउंदी है कि इह रिश्ता ते चार दिन दा है, ये मोह माया तो अलावा कुछ भी नहीं। इत्थे ना कोई मेरा है ना मैं किसी का, सब आपो अपने रस्ते दे पांदी हन। गुरु साहब भी बख्शिश करते हैं, कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुतै, कतंच भरात मीत हित बंधव कतंच मोह कुटुंबते, कतंच चपल मोहनी रूपां पेखंते त्याग करोत, रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदं अचुतन है। बाबा जी ने भी यही सोची बख्शी के भाई जो संसार नूं सत करके जानते हैं वह मोह के संगल नाल बजे रहिंदे हन, पर जिन्हां ने इस नूं चार दिन का मेला जाणिया है नाशवंत जाणिया है वह इस मोह के संगल नालों टुट जाते हैं। बचन भी है त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान, सतपुरख अकाल मूर्त रीदा त्यारो धारो ध्यान, नाम निदान लाभ नानक बस त्यो प्रवान। क्रोध, बाबा जी संगत विच ये बचन भी साझा करते होंगे सन के पुत क्रोध आए तो फिर की करना चाहिए है। बाबा जी एक नुकता संगत नाल साझा करते होंगे सन के मनुख नूं क्रोध आए मनुख नूं नलके कोल जाके नलका गेड़ के ठंडा पानी कढ़ना चाहिए है ते उसका ठंडा पानी पीना चाहिए है। ये बचन बाबा जी की पत्रिका विच भी दर्ज है। काम, संगत सर साहब कुटिया विखे ही काम दे प्रथाए भी बाबा जी ने बचन किए सन। बाबा जी संगत नाल शब्द विचारां दी सांझ कर रहे सन कि ये शब्द, काम ना बिसरियो क्रोध ना बिसरियो लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी निफल भई सब सेवा दी विचार चल पई। बचन सांझे कीते के भाई मनुख रूप देख के काम वास वाशना ग्रस्त होके जीवन नूं व्यर्थ गवा रहा है। कामवंत कामी बहु नारी पर ग्रह चो जो पर ग्रह जो हो ना चुकै, दिन प्रत करै करै पछतापै शोग लोभ मैं सूकै। फिर वचन कीता के भाई काम तो किवें बचिया जावे, भाई जेड़ा रूप देख के मनुख मोहित हो जाता है वाशना ग्रस्त हुंदा है ये कुछ भी नहीं है, ये तो परमेश्वर ने पर्दा कजन लई एक चादर पाई है। ये शरीर गंदगी दे ढेर तो सिवाए होर कुछ भी नहीं, इहदे अंदर मेज है लहू है मास है, इन्हां सभनां नूं ढकण लई उपर परमेश्वर ने चमड़े का परदा पा दिता है। बचन भी है अस्त चरम बिस्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेटे, तथा दुर्गंध अपवित्र अपावन भीतर सो जो दिसै सो शारा। भाई जिवें शरीर नूं रूप नूं देख के साडा मन वाशना ग्रस्त हुंदा है, उस एक शान नूं संभाल लईए, 24 घंटे इस शरीर की साफ सफाई ना करिए, ते जेड़े 9 दरवाजे इस शरीर दे लगे हुए हैं उन्हां विचों इतनी बदबू आनी शुरू हो जाएगी कि जेड़े रूप ते मन मोहित होया पिया सी उसदे कोलों आप ही दड़ंगे मार के भजेगा। बस उस एक शान नूं सांभ लईए जिस दे विच भैड़ा फुरना जन्म लैंदा है। जिसने उस एक शान नूं सांभ लिया मानो वह इस विकार तों बच गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।